काश मैं आज गरीब नहीं होता तो आज मैं हेमा जी को प्रपोज करता, पर मैं अपनी गरीबी की वजह से अपने दिल की बात नहीं कर पाता हूँ। ओए, इधर आ। ओ, तेरी दुकान में नए कपड़े आए हैं कि नहीं? जी भैया, अभी कल ही कपड़ों का नया स्टॉक आया है। और हाँ, लेडीज की कोई महंगी और अच्छी ड्रेस आई है क्या? नहीं मैम साहब, ड्रेसेस महंगी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास जो ड्रेसेस हैं वो आपको पसंद जरूर आएंगी। हाँ भाई, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं और मेरे सारे कपड़े पुराने हो चुके, मैं इन्हें रोज पहन पहन के बोर हो गया हूँ। चलो फिर किसी दिन आते हैं तुम्हारी दुकान पर, और हाँ रेट सही लगा लेना। जी भैया बिल्कुल। जाओ। अरे चलो कपड़े दिखाओ हमारे लिए। जी भैया अभी दिखाता हूँ। ये देखिए भैया, ये सब लेटेस्ट जीन्स आई हैं, और ये देखिए ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा, और ये देखिए ये इसका दूसरा कलर है, ये भी बहुत अच्छा है, और एक कलर ये देखिए। और भैया ये देखिए ये शर्ट है, ये इन पर बहुत अच्छे लगेंगे। भाई ये शर्ट और जींस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं यही लूंगा। ठीक है, इन सबको पैक कर दो। मेरे लिए कुछ नहीं दिखाओगे क्या? दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। अरे भैया इसमें तो 2000 रुपए कम है। जितने दिए हैं उतने रख ले, ज्यादा बहस मत कर। अरे नहीं भैया, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और अभी मुझे और भी नए कपड़े लाने हैं, और आप लोग तो इतने अमीर हैं फिर भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। अब अगर तूने एक बार भी पैसा मांगा तो जो दिए हैं वो भी छीन लूंगा। चलो। अरे मैम साहब देखिए ना, आप पूरे पैसे दिलवा दीजिए ना, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। थैंक यू मैडम। अरे हेमा जी सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा। हेमा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या विपिन, बोलो क्या बात है? वो मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। आज मैंने बहुत हिम्मत करके सोचा कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। ऐसा क्या कहने वाले हो तुम? हेमा जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। क्या? हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत अमीर हो और मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और मैं कभी भी तुम्हें गरीबी का एहसास नहीं होने दूंगा। I really love you. मैं तुम्हारी इस बात का जवाब कल तुम्हारी कपड़ों की दुकान पर आके दूंगी। ये देखो, ये मेरा सच्चा आशिक। सुबह मुझसे कह रहा था कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है और ये मुझे बहुत खुश रखेगा, कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देगा, ये कह रहा था मुझसे। इस कपड़े वाले की औकात तो देखो, इसने एक बार भी नहीं सोचा इसमें और मुझमें कितना फर्क है। आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि फिर तेरे जैसा कोई गरीब हेमा को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। और सुन, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। और शायद तुझे पता नहीं, तूने हेमा को प्रपोज करके कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि तूने अपनी औकात से बढ़कर सपने देखे हैं। क्या तुझे यह नहीं पता कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों को कभी आसमान में उड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए? क्या तुझे ये नहीं मालूम कि हम तेरी दुकान पर आकर तुझ पर कितना एहसान करते हैं? वरना मेरे भैया के इतने बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम हैं कि जो तेरी जैसी 10 दुकानों को भी खरीद सकते हैं। भैया, ये क्या कर रहे हो आप? कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे। क्यों भाई, क्या हाल है? मुझे जानते हो कि भूल गए? अरे नहीं नहीं भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? अगर तुम मुझे नहीं भूले तो फिर मेरे पैसे भिजवाए क्यों नहीं? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, वो इस समय ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। आप परेशान ना हो, मैं बहुत ही जल्द आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। देखो, तुम्हें पैसे लिए हुए पूरे एक साल हो गए और अब मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा, मुझको मेरे पैसे चाहिए बस। भाई मुझे सिर्फ 1-2 महीने का समय दे दो, मैं आपके पूरे 1,00,000 रुपए चुका दूंगा। ठीक है, पर यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर इस बार तुमने मेरे पूरे 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो मैं अगली बार पुलिस लेकर आऊँगा और पूरे रुपए लेकर जाऊँगा। जी भाई, मैं आपके सारे पैसे दे दूँगा।
भैया हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? कौन आने वाला है जो उसका इतना वेट कर रहे हैं हम लोग? अरे बहन, आज हम शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने आए हैं, जो कपड़ों के बहुत बड़े होलसेलर हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं। अगर हमें उनकी कंपनी के ब्रांडेड कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो हम बहुत जल्द अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के कपड़ों की शहर में बहुत मांग है। अच्छा, पर कब आएंगे वो? थोड़ा वेट और करो, मेरी उनसे बात हो गई है, वो बस आते होंगे। ये लो, आ गए सर। हेमा, ये रहे हमारे सर जिनका हम इतनी देर से वेट कर रहे थे। अबे गरीब, ये तो क्या बनकर घूम रहा है? भैया ये तो बहुत गरीब है और इसकी छोटी सी कपड़े की दुकान है, आप इससे मिलना चाह रहे थे? हेमा, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था कि इन्होंने कम समय में छोटी सी कपड़ों की दुकान से आज इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है कि आज इन्हें शहर में हर कोई जानता है, इसीलिए तो मैं इनसे मिलना चाहता था। पर तुमने सब की बताता हूँ, तुम दोनों देखकर हैरान हो रहे होगे कि मैंने इतने कम समय में इतनी सफलता कैसे पा ली। कैसे? सुनो, उस दिन तुम लोगों के जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत कोसा, क्योंकि तुम लोगों की बातें सीधा मेरे दिल पर लगी थी और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी दुकान बेच दूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर्जा था। लेकिन मैंने अपनी दुकान बेचने के बजाय उस पर लोन लिया और फिर मैंने उसी शहर में अपनी दूसरी शॉप खोली और फिर उसके बाद मेरी कमाई दो गुना हो गई और फिर इसी तरह मेरे कपड़ों का बिजनेस पूरे शहर में फैलता गया और आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। और हाँ, मेरी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं तुम लोगों का भी हाथ है, क्योंकि उस दिन अगर तुम लोगों की बातें मेरे दिल पर ना लगती तो मैं आज इस मुकाम तक ना पहुँच पाता। थैंक्स टू अप्रिशिएट मी। लाओ, कहाँ साइन करना है? यहाँ पे सर। ओके सर।